अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस दुनिया में मुख्तलिफ रंगो नस्ल की कौमें आबाद हैं, वहीं इनके अकायद या मजाहिब भी आपस में मेल नहीं खाते। दुनिया में राइज कुछ मजाहिब तो इस कदर अजीब और मुजहिका खेज हैं कि इनके मानने वालों और इन पर अपनी जिंदगियां और दौलत निछावर करने वालों की जहनी सेहत पर शकूक व शुभात जन्म लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे ही हैरत अंगेज मजाहिब से रोशनास करवाएंगे जिनका इससे पहले शायद आपने नाम भी ना सुना हो। दोस्तों, वैसे तो हमारा दीन हमें किसी और के मजहब का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन अगर कोई चीज बजाती खुद एक मजाक हो तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं दुनिया भर में फैले इन अजीबो गरीब अकायद पर। पास्ता फारिया निज़म। दोस्तों, स्पैगेटी या नूडल्स तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसी देवता के बारे में जानते हैं जो स्पैगेटी का ही बना हो? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मजहब भी पाया जाता है जिसके पैरोकार एक उड़ते हुए स्पैगेटी देवता पर यकीन रखते हैं। इन लोगों का मानना है कि इसी अजीबो गरीब देवता ने आज से सिर्फ 5000 साल पहले इस दुनिया को बनाया था। ये मजहब, जिसे पास्ता फारियानिज्म भी कहा जाता है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं। इसकी शुरुआत आज से 15 साल कबल यानी 2005 के अवाखिर में अमेरिका में हुई। इस मजहब का बानी बॉबी हैंडरसन नामी एक शराबी था जिसने एक सोशल प्रोटेस्ट के दौरान इस मजहब की बुनियाद रखी और उस वक्त अपनी नजरियात पेश किए कि जब वो शराब के नशे में धुत था। पास्ता फारियानिज्म दुनिया की बाकी तमाम मजाहिब को मुस्तरद करता है और अपनी तजावीज करदा अकायद को सब पर बरतर करार देता है। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि भला इस बेसरूपा मजहब को कौन मानेगा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस मजहब के मानने वालों की तादाद दसियों हजार ही जो गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। इनकी अजीबो गरीब लोहे के बर्तन नुमा टोपी पास्ता फारियानिज्म की पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फखरिया अंदाज में घूमते फिरते हैं। दी बुलेट बाबा। दोस्तों, मोटर बाइक पर वनवेलिंग करना या मुख्तलिफ करतबे दिखाना तो हमारे यहाँ भी आम है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा करने वालों को सिर्फ गालियाँ और लानतें ही दी जाती हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ वन व्हीलिंग करने वाले एक बाइक राइडर को देवता बनाकर इसकी इबादत शुरू कर दी गई है। ये है हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान का एक गांव चोटीला। दोस्तों, इस गांव में एक मंदिर है जिसमें ओम बन्ना नामी एक आदमी और उनकी 350 सीसी मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ओम बन्ना नामी ये आदमी कुछ अरसा कबल नेशनल हाईवे पर बाइक राइडिंग के दौरान वफात पा गए थे। तभी से इनके चाहने वालों ने इनकी पूजा करना शुरू कर दी। पूरे गांव में इन्हें बुलेट बाबा के नाम से पहचाना जाता है। बुलेट बाबा से कई करामात भी मंसूब की जाती हैं, जैसे कि 20 साल कबल जब बुलेट बाबा का एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस इनकी बाइक उठाकर ले गई, लेकिन ये बाइक दोबारा उसी जगह पाई गई जहां एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने जितनी दफा इसे ले जाने की कोशिश की, ये वापस आ गई। इसीलिए बुलेट बाबा के चाहने वाले इनकी बाइक की भी इबादत करते हैं और ये उस जगह और दरख्त को भी मुकद्दस मानते हैं जहां ओम बन्ना अलमारूफ बुलेट बाबा का एक्सीडेंट हुआ था। इनविजिबल पिंक यूनिकॉर्न। माथे पर एक सींग रखने वाला गुलाबी घोड़ा आप लोगों ने अक्सर खिलौनों या कार्टून्स के रूप में देखा होगा। इसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा गिरोह भी पाया जाता है कि जिसका मानना है ऐसे ही एक गुलाबी यूनिकॉर्न ने इस दुनिया की तख्लीक की है जो किसी को नजर नहीं आता लेकिन अपना वजूद रखता है। इब्तिदा में इस अकीदे की बुनियाद एथिस्ट यानी दहरियों के एक गिरोह ने महज ख्याली तौर पर रखी थी, लेकिन इस वक्त ये एक अलहदा मजहब का रूप इख्तियार कर चुका है जिसे चर्च ऑफ इनविजिबल पिंक यूनिकॉर्न का नाम दिया जाता है। प्रेस्लीटेरियन चर्च। मुमकिन है कि हमारी नई नस्ल एल्विस प्रेस्ली के बारे में कुछ ज्यादा ना जानती हो। ये गुज़िश्ता सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जिन्हें किंग ऑफ रॉक एंड रोल भी कहा जाता है। इनके सेलिंग रिकॉर्ड्स माइकल जैक्सन से भी कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, ये बात यहीं तक रहती तो बेहतर था, लेकिन मौजूदा दौर में इनके चाहने वालों ने इन्हें एक सेंट करार देकर इनके नाम पर एक मजहब बना डाला है जिसे प्रेस्लीटेरियन चर्च के नाम से मुतारिफ करवाया गया है। इस मजहब के मुताबिक एल्विस प्रेस्ली के पैरोकारों पर ये फर्ज है
कि वो साल में कम से कम एक मर्तबा लास वेगास शहर का चक्कर जरूर लगाएं, जहां इस सुपरस्टार ने अपनी जिंदगी गुजारी थी, जबकि इसके मानने वालों पर जिंदगी में एक मर्तबा ग्रैसलैंड का सफर भी फर्ज करार दिया गया है, जहां एल्विस मदफून है। इसके अलावा ये मजहब अपने मानने वालों के लिए 31 अहकाम जारी करता है। पेप्सी, सिगार और पीनट बटर समेत ये वो चीजें हैं जो एल्विस प्रेजले को पसंद या ना पसंद थीं। लिहाजा इसकी पैरवी में प्रेजलेटेरियन चर्च के मानने वाले खुद पर ये चीजें जायजो नाजायज करार देते हैं। दोस्तों, आज ये मजहब दुनिया भर में फैल चुका है। मुझे इसके मानने वालों की सही तादाद इंटरनेट पर नहीं मिल सकी, लेकिन प्रेजलेटेरियन चर्च से मुंसलिक अफराद की एक बड़ी तादाद दुनिया के मुख्तलिफ खितों में पाई जाती है। जेडाइज्म। दोस्तों, मशहूर जमाना हॉलीवुड मूवी स्टार वार से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये दुनिया की कामयाब तरीन मूवी सीरीज में से एक है। इस फिल्म में एक ख्याली कायनात दिखाई गई है, जहां इंसान और इंसान जैसी कई दूसरी मखलूकात खला में बिखरे सैयारों पर आबाद हैं। इस फिल्म में जेडाई नाम का एक रूहानी गिरोह दिखाया गया है, जो जंगो जदल और तलवारबाजी में बेमिसाल माने जाते हैं। ये कायनात में रवा एक खास ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक फिक्शन फिल्म थी, जिसके सभी किरदार फर्जी और कहानियां मनगढ़ंत थीं। मगर सन 2001 में कुछ लोग इस फिल्म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इसे अपना मजहबी बना लिया। सिर्फ 10 सालों में यानी 2011 की मरदमशुमारी के दौरान इस मजहब के मानने वालों की तादाद 1,77,000 से तजावज कर चुकी थी। जेडाई के मंदिर अमेरिका, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये लोग फिल्म में दिखाई गई एक मखसूस फोर्स की इबादत करते हैं, जो इनके मुताबिक कायनात का नज्मो नस्क चला रही है और जेडाई जंगजुओं को ताकत फराहम करती है। मैराडोनियन चर्च। दोस्तों, अगर हम अब तक के सबसे अजीम फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें तो हमारे जहनों में एक ही नाम आता है, और वो है अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले डियागो अर्मांडो मैराडोना। दोस्तों, ये बिलाशुबा फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत से रिकॉर्ड्स इनके नाम पर मौजूद हैं। लेकिन इनकी कुछ चाहने वाले इनकी मोहब्बत में कुछ ऐसी दीवानी हो गई कि उन्होंने आज से 23 साल पहले यानी 1998 में इनके नाम पर एक मजहब बना डाला। मैराडोनियन चर्च नामी ये मजहब मैराडोना के फैंस की जानिब से बनाया गया था, जो आज तरक्की करते करते दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है। इस मजहब के अपने ही 10 कमांडमेंट्स, दुआएं और त्यौहार हैं, जो आपको इंटरनेट पर सर्च करने पर बआसानी मिल जाएंगी। विस्की देवी। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में शराब पीना और बेचना सख्त ममनू है, लेकिन इसी रियासत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां खुलेआम शराब लुटाई जाती है। यह है काल भैरव मंदिर, अलमारूफ विस्की देवी का मंदिर। इस देवी के तमाम पैरोकार अव्वल दर्जे के शराबी हैं, जो मंदिर में चढ़ावे के लिए फूल या नारियल नहीं बल्कि शराब की बोतलें लाते हैं। इसी शराब से विस्की देवी की मूर्ति को गुस्ल दिया जाता है, जबकि यही शराब यहाँ आने वाले अकीदतमंदों को बतौरे प्रसाद बांटी जाती है। इस मंदिर के सभी पुजारी शराब के नशे में धुत पाए जाते हैं। साइंटोलॉजी। दोस्तों, ये एक ऐसा मजहब है जो किसी कदीम देवता या अकीदे पर यकीन नहीं रखता, बल्कि इस मजहब की मानने वाले अफराद साइंस के कवानीन और थ्योरीज पर यकीन रखते हैं। इस मजहब की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। मशहूर साइंस फिक्शन मुसन्निफ एलरॉन हबर्ट इस मजहब की बानी हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये मजहब महज पुख्ता तजर्बात और मुशाहिदात पर यकीन रखने की तलकीन करता है, बल्कि ये मुख्तलिफ ख्याली पुलाव का मजमुआ है। इस मजहब के मुताबिक इंसान एक लाफानी मखलूक है, जो हालिया दौर में अपनी हकीकत से ना वाकिफ है। इंसानों की ये नस्ल कई मिलियन साल पहले जीनू नामी एक डिक्टेटर की कयादत में इस सैयारे पर वारिद हुई थी, और तभी से ये यहाँ मुकीम है। इसी तरह की दीगर कई बेसरोपा बातें इस मजहब की बुनियादी अकायद हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इस मजहब के मानने वाले भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं, जिनमें टॉम क्रूज और जॉन ट्रिवोल्टा समेत बड़े बड़े स्टार्स भी शामिल हैं।
अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे अरे, डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।